श्रीलो पार्श्वनाथ भगवान की ओम नमः। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की जय हो। पर्व अठाई आया है, पर्व अठाई आया, पर्व आनंद आनंद छाया है, आनंद आनंद छाया है। पर्व अठाई आया है, पर्व अठाई आया है, आनंद आनंद छाया है, आनंद आनंद नंदीश्वर का करे स्मरण, नंदीश्वर का करे स्मरण, भक्ति भाव उमगाया है, भक्ति भाव उमगाया है। पर्व अठाई आया है, पर्व अठाई आनंद आनंद छाया है, आनंद आनंद छाया है। श्री जिनवर की पूजन करके, श्री जिनवर की पूजन करके, निज परिणाम विशोध करें, निज परिणाम नित अभ्यास श्री जिन वाणी, नित अभ्यास श्री जिन वाणी, स्वपर भेद विज्ञान करें, स्वपर भेद विज्ञान करें। मंगल अवसर आया है, मंगल आनंद आनंद छाया है, आनंद आनंद छाया है। निज अकृत्रिम भाव निहारे, निज अकृत्रिम भाव निहारे, सम्यक दर्शन प्रकट करें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। भाए अविरल ज्ञान भावना, भाई सम्यक चारित प्रकट करें, उत्तम अवसर आया है, उत्तम अवसर आनंद आनंद छाया है, आनंद आनंद छाया है। नंदीश्वर का करे स्मरण, नंदीश्वर का करे स्मरण, भक्ति भाव उमगाया है, भक्ति पर्व अठाई आया है, पर्व अठाई आया। पर द्रव्यों का दोष न देखें, पर द्रव्यों का दोष न देखें, मिथ्या पर की आस तजे, मिथ्या ज्ञानानंद स्वभावी प्रभु है, ज्ञानानंद स्वभावी प्रभु है, अपना आत्म आप भजे, अपना आत्म आप भजे, साचा शरणा पाया है, साचा शरणा, आनंद आनंद छाया है, आनंद आनंद छाया है। पर्व अठाई आया है, पर्व अठाई आया है, आनंद आनंद छाया है, आनंद आनंद चिंताओं का कर निरोध अव, चिंताओं का कर निरोध, निज में ही
एकाग्र रहें, अहो यही निर्ग्रंथ मार्ग है, अहो यही निर्ग्रंथ मार्ग है, हो निशंक हम बड़े चले, हो निशंक हम बड़े चले, धन जिन रूप सुहाया है, धन जिन रूप सुहाया, चरणों शीश नवाया है, चरणों शीश नवाया है, पर्व अठाई आया है, पर्व अठाई आया है, पर्व अठाई है, पर्व अठाई आया है, आनंद आनंद छाया है, नंदीश्वर का करे स्मरण, नंदीश्वर का करे स्मरण, भक्ति भाव उमगाया है, भक्ति भाव उमगाया है, अष्टन का महापर्व जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में एक कथन आया, धन्य है वे जीव बड़े उपकारी हैं जिन्होंने धर्म पर्व चलाए हैं, चलाए माने बताए, इन धर्म पर्वों के निमित्त से हमारे परिणामों की विशुद्धि का विशेष अवसर होता है। जो रोज नहीं आते वे भी लग जाते, जो रोज आते उनको भी अलग से उत्साह आ जाता है, पर्व आ गया। जैसे लौकिक पर्व लौकिक सफाई के और लौकिक खाने पीने के निमित्त बन जाते हैं, ऐसे ही धार्मिक पर्व अंतरंग की सफाई के, अंतरंग स्वच्छता, जिसके बिना बहिरंग स्वच्छता भी होती नहीं है और हो जाए तो कोई कार्यकारी नहीं होती, स्थाई नहीं होती। आज स्वच्छता अभियान देश में चल रहा है, लेकिन जब तक मानसिक स्वच्छता नहीं हो तब तक स्वच्छता अभियान अधूरा है। ये बहिरंग की गंदगी तो मानसिक गंदगी वाले लोग फैलाते हैं, जो आलसी है फैला। हम कहते आज इतने साधन हो गए, इतनी गंदगी बढ़ गई, पहले इतने साधन नहीं थे, इतनी गंदगी भी नहीं थी, लोग अपने चबूतरे पर गड्ढा बनाते थे और सवेरे अपने आप खाली करते थे। तुम्हारी गांव की भाषा में गोंडा होते थे, वहीं घूरा इकट्ठा करते थे खेत में, इस तरह से कहां फैलता था बताओ। कच्ची गलियां होती थी, ना कोई झाड़ बुहार के इंतजाम होते थे, ना कुछ, और सफाई रहती थी। अभिमान हो गया, आलसी हो गए, प्रदर्शन हो गया, इसी का प्रदूषण है। बाह्य प्रदूषण में अगर हम बताएं तो ये 70% प्रदूषण प्लास्टिक का है, फाइबर का प्रदूषण 70%। बढ़िया बढ़िया पैकिंग उखाड़ करके फांकी, बढ़िया बढ़िया पैकिंग उठा के फांकी, इतनी ही चीज भी आती तो उसकी पैकिंग माई उन्हें तेल डाला उठा करके फेंक दी, ये खाया उठा करके फेंक दी, एक एक खुराक की एक एक पैकिंग हो गई। कौन लेके चले, कौन क्या करे, उठा करके फेंको। भोजन की थालियां कौन मांगे, ग्लास पर्सन कौन मांगे, भाई वो मंगा लो तुम्हारे हैं, काय के बोले डिस्पोजल, बस मंगा लो अपने उठा के फेंको। रोजमर्रे के जीवन में हमारी ये खतरनाक चीज आ गई और इतनी हानिकारक है, सारी जमीन जहां पहुंच जाए बंजर हो जाएगी। जो पत्तल धोने होते थे या तुम्हारे जो ये चटाइयों का कूड़ा था, ये तो खाद बन जाता था, पेड़ पत्ते थे ये सब खाद बन जाते, कागज खाद बन जाता था, लेकिन इस प्लास्टिक का कुछ नहीं होता, सही सीधा ऐसे ही जमा रहता। जमीन बंजर है, जीवन बंजर हो गया, आलसी हो गई। ये मानसिक प्रदूषण का दूसरा नाम बताओगे आप?
अज्ञान। अज्ञान ये मानसिक प्रदूषण का सबसे बड़ा, फिर अहंकार। हम अपने हाथ से काम करेंगे, हम झाड़ू लगाएंगे, हम ये करेंगे। अरे क्यों, क्या हो गया इसमें? बड़े आदमी तो इसलिए थोड़ी हो गए हम। जरा से एक आधा किलोमीटर भी जाना हो तो न पैदल जाएगा न साइकिल से जाएगा, सीधी मोटरसाइकिल है। आज प्रदूषण कितना फैल गया देखो। मतलब कोई भी एक भी प्रदूषण आप ये बता दो जो जिसके संबंध मानसिक प्रदूषण से न हो। जितना भी परिग्रह है वो सब विषयों का परिग्रह है। तुम्हारे घर में क्या रखा बता? कपड़े होंगे पहनने ओढ़ने के, तो जितनी जरूरत है उतने नहीं होंगे, बहुत होंगे उससे यार। तमाम प्रकार के बर्तन होंगे, तमाम प्रकार के साधन होंगे, और उनके ही काम हो गया देना दिन भर। जीवन की सादगी के बिना, और जीवन की सादगी का विचारों की सादगी रहना चाहिए भाई। इनसे हमारी प्रभुता नहीं है, इनसे हमें सुख नहीं है, ये सब हमारी गंदी मानसिकता के प्रतीक हैं, ये समझ लो। गंदी मानसिकता के प्रतीक। तो मानसिक गंदगी माने अज्ञान, मोह और ये कसा है। ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते होंगे बालबोध के, मानसिक गंदगी किसे कहते हैं कोई बताएगा? जिस प्रकार धूल माटी चिकनाई आदि हमारे बाह्य कपड़ों को, शरीर को गंदा करती है, गंदा भोजन जो कृष्ट आदि भोजन है ना, वो हमारे पेट को गंदा करेगा है? ये मलेरिया चलता है ना, मलेरिया हमारे प्राकृतिक वाले तो मल एरिया कह देते हैं उसको, मल का एरिया है, माने मल संग्रह हुआ है तभी उनका आक्रमण होता है। जब तक मल संग्रह नहीं होगा तब तक ये मलेरिया कुछ नहीं कर पाएगा। और मच्छर नहीं मिटेंगे, आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। जितना मारने का भाव करोगे, जितना मिटाने के भाव करोगे, स्वयं मिट जाएगा। दूसरों का को मिटाने का भाव करने वाला जीव स्वयं मिट जाता है, सामने वाला मिटे चाहे ना मिटे। बहुत से लोग बड़ी शान से कह देते, हम तो पंडित जी खूब अच्छे थे और सब, क्या करें जी मुकदमाबाजी बर्बाद हो गए। माने स्वयं बर्बाद हो गए उसको बर्बाद करने के चक्कर में। सुना रहे थे उस दिन? सुना रहे? जीवन चला गया। माने पूरा जीवन बर्बाद, पैसा बर्बाद, जमीन बर्बाद, जो थोड़ी बहुत है वो इसमें दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में स्वयं बर्बाद होता है। दूसरों के दुखी करने के भाव वाला जीव स्वयं दुखी होता है। तो मच्छर मारो मलेरिया भगाओ है। मच्छर कितने प्रतिरोधक, उनकी कितने बड़े बड़े मच्छर हो गए और कितने शक्तिशाली हो गए अब तुम्हारी उससे नहीं। और तुम्हें उनके भगाने के जो तुम साधन बनाए तुमने, उससे तुम्हें रोग हो गए। वो तुम्हारा वो धुआं निकालते, वो क्या होता है, वो गैस निकलती है, है? वो तुम्हें लकवा हो गया मच्छरों का, जो कुछ हुआ सो हुआ, वे तो और मजबूत हो गए। आप जियो और जीनो ये का सिद्धांत अपनाइए। किसी जीव मात्र से द्वेष मत करो, किसी को दुखी करने का, नीचा दिखाने का, किसी का अधिकार हनन करने का परिणाम मत करो। आप लाइन में लेकर और तुम्हें धक्का देकर के आगे बढ़ जाएगा, फिर तुमको बड़बड़ाओ। लाइन तोड़ के तुम अपने कमजोर को आगे बढ़ाओ, पीछे करोगे और तुम आगे बढ़ोगे। कोई तुमसे भी बलवान मिल जाए, वो तुम्हें पीछे करके आगे बढ़ जाएगा, फिर बड़बड़ाओगे। बढ़िया व्यवस्था है तो फैलाई तो तुमने भैया। जो जो तुम्हारे जीवन में है वो तुम्हारा ही बोया हुआ बीज है, तुम्हारा बोया हुआ बीज है और कुछ नहीं। इस भाव कलंक को या मानसिक प्रदूषण को मिटाने के लिए भगवान के दर्शन पूजन भक्ति है। तो पर्व धर्म पर्व
मानसिक सफाई के पर्व हैं। और दिनों में अनर्गल खाया पिया जाता है, धर्म पर्वों में उपवास किया जाता है, एकासन किया जाता है, नियम संयम लिए जाते हैं। भाई 10 दिन आए अपने रात, अब 10 दिन हम बाजार की कोई चीज नहीं खाएंगे। कभी नहीं खाना चाहिए वो अलग बात रही, लेकिन जो कभी नहीं खाने नहीं छोड़ पा रहे हैं, बेल भैया पर्व आ गए, आगे हो गई अब आठ है तो नहीं कर रहे। तो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा भी बड़े उपकारी हैं जिन्होंने धर्म पर्व चलाए हैं, चलाए माने बताए। इन पर्वों के निमित्त से मानसिक सफाई का अवसर मिलता है, मानसिक गंदगी को मिटाने का अवसर मिलता है, कुछ सोचने समझने का अक्षर मिलता अवसर मिलता है। भगवंतों को देखो सोचो, भगवान वितरागी हैं और वितरागी होकर के ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं, सबके उपकारी हैं, उत्कृष्ट हितोपदेशी हैं। जो वितराग सर्वज्ञ हैं वे उत्कृष्ट हितोपदेशी हैं, उत्कृष्ट उपकार करने वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर तुम्हें जगत का भला करना है तो वितरागी बनो, राग दुख का कारण है तो रागी सुख का कारण कैसे हो सकता है। रागी जीव का मुख्य रूप से अर्थ क्या लेना चाहिए भैया बताना, अध्यात्म शैली रुक जाओ, फालतू मत बोला करो। हाँ बोलो मुख्य अर्थ। अरे भाई ये बात अच्छी नहीं, राग में उपाधेय बुद्धि वाला जीव, राग में सुख मानने वाला जीव, वह मुख्य रूप से रागी कहलाता है। ज्ञानियों को भी निचली भूमिका में राग होता है लेकिन वे रागी नहीं होते, ध्यान रखना। अज्ञानी को मुख्य रूप से रागी कहते हैं। अध्यात्म ग्रंथों की ये शैली है, अध्यात्म की शैली तुम क्या करते हो भैया, मुख्य रूप से यहां अनंतानंदी राग को राग कहा। लोक निंद कार्य जिनके बसीभूत होकर के कहते हैं, हिंसक किसको कहा चरणानियों की पद्धति में, संकल्पी हिंसा वाले जीव को हिंसक कहा। आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा जिनकी नहीं छूटती, जिनके जीवन में पाई जा रही है अभी, उनको हिंसक नहीं कहते, हिंसक कहते मुख्य रूप से संकल्पी हिंसा कार्य। किसे कहते संकल्पी हिंसा, शशांक बोलो। अरे क्या बोलता है भैया, देव बेटे बड़ी एकाग्रता से बहुत व्यवस्थित पढ़ाई करो, जे मत सोचो हच हो गए हो, भूल जाओ इस बात को। किसे कहते संकल्प, निर्दय परिणाम ही है हेतु जिसका, ये लिखा है निर्दय परिणाम ही है हेतु जिसका, मारना तो है मारना तो है, चाहे कछु हो चाहे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, इस लोक और परलोक के प्रयोजन से रहे, निर्दय परिणाम के वसीभूत होकर प्रमाद की तीव्रता से जो हिंसा की जाती है वह संकल्पी हिंसा कहलाती है। यत्नाचार पूर्वक दया भाव अंतर में है, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तते हुए जो घर गृहस्थी के कार्यों में हिंसा होती है उसको आरंभी हिंसा कहते हैं। खेती व्यापार आदि में हिंसा हो जाती वो उद्योगी हिंसा कहलाती है। और अपने धर्म धर्मात्मा धर्मायतन शील है धन प्रतिष्ठा आदि की रक्षा के लिए जो विरोध करना पड़ता है, युद्ध लड़ने पड़ते हैं, उनमें जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा कहलाती है। आप अपने इतिहास को देखो, हमारे सम्राटों ने किसी पर आक्रमण लूटने के लिए नहीं किया, रक्षा के लिए आक्रमण करना पड़ा, बचाव के लिए करना। अब तुम आकर के यहां किवाड़ ये तोड़ने लगो घुसने लगो तो हमें रोकना ही पड़ेगा, भाई क्या कर रहे हो, हम धर्मायतन की रक्षा करेंगे ये थोड़ी है। अब जाको जो परिणाम है सो होगो भैया, मुन्नराज नहीं करेंगे, मुन्नराज जी बैठे हैं। चारों प्रकार की हिंसा का त्याग,
लेकिन ग्रस्त भूमिका में आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा छूट नहीं पाती, छूट है नहीं, इनकी छूट नहीं, समझ लेना, इनकी छूट नहीं है, चाहे जैसे करो। अब वो पानी तो फैलता ही है, नहीं नहीं, जितना जरूरी है उसको फैलो और सोचो कम से कम कैसे फैले, कम से कम में काम कैसे चले, घटती जाने मिटती जाने, बढ़ाइए नहीं। जिन आगम में रागादि को मिटाने का और लौकिक कार्यों को घटाने का उपदेश दिया है, बढ़ाने का उपदेश कहीं नहीं है। जितनी घट सकती है उतना घटा लो और जो मिट सकती है तो मिटाओ। इस भूमिका में मिट नहीं पाएगी और आत्मा के आश्रय से पूरी हिंसा मिटती है, बिल्कुल मिटती है। स्वयंभू स्तोत्र में एक काव्य है, नियम सार जी टीका में भी उदाहरण दिया उसका, अहिंसा परम ब्रह्म है, अहिंसा परम ब्रह्म है। दूसरी जगह अहिंसा को क्या कहा, अहिंसा माता के समान सर्व जीवों की रक्षा करने वाली है, अहिंसा माता के समान सर्व जीवों की रक्षा करने वाली है। परंतु बस अहिंसा की पूर्णता, पूर्णता शब्द वहां नहीं लिखा है, लगा लेना चाहिए, उस अहिंसा की पूर्णता उस आश्रम में होती है जहां किसी प्रकार का आरंभ नहीं है। लगोटी होगी तो धोने पड़ेगी, ना आओगे तो पानी फैले, वो क्या करोगे बता, फिर वह पहुंचने पड़ेगा, बह चलो जाए तो कब जीव की हिंसा हो सके, संभव है। घर होगा तो झाड़ना पड़ेगा, तार लगाना पड़ेगा, लीपना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, मजबूरी है। क्यों भाई बोलो, एक ही उपाय है, घर न हो कपड़े ना हो, इसलिए उस अहिंसा की ही प्राप्ति के लिए, पूर्णता के लिए, हे भगवान आपने दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ दिया है और विकृत वेश को भी छोड़ दिया है। ये विकृत वेश हैं, जब यही विकृत वेश हैं तो जो तुम्हारे उल्टे सीधे चल गए शील विरुद्ध, उनको क्या कहेंगे हम, महाविकृति। विकृत वेश हमारी निर्गंथता को तिरोभाव करने वाले, भले आरंभी हिंसा है, हिंसा हिंसा के निमित्त है, विकृत वेश, विकृत भोजन, अविकृत भोजन लिखा है मूलाचार में। अविकृत भोजन किसको कहा, जो संस्कारित नहीं किया गया है, छोंक नहीं लगाए, जे नहीं लगाए, वे नहीं मिलाए, जामे जे नहीं मिलाओ, मेरे को साफ शुद्ध सादा भोजन हो गया, वो अविकृत भोजन कहा गया। और तमाम ये विकृत भोजन कहा है, राग का को बढ़ाने का निमित्त है, पेट को खराब करने का निमित्त है, रोगों की वृद्धि का निमित्त है, इसलिए संयम के घात का निमित्त है। अविकृत वेश को भी छोड़ दिया है, विकृत भोजन को भी छोड़ दिया है, और क्या कहें, विकृत व्यवहार को भी छोड़ दिया है। ये तीनों बातें उसमें नहीं आई मूल में। हे भगवान काय के लिए, उस अहिंसा की प्राप्ति के लिए। अहिंसा का मुख्य अर्थ क्या लेना चाहिए, अपने स्वभाव का घात करने वाले रागादिक का नाश करने के लिए, अहिंसा की प्राप्ति के लिए अर्थात अपने स्वभाव का घात करने वाले रागादिक भाव के समूल अभाव के लिए आपने इस विकृत वेश को छोड़ा है। नग्न जंगल में काय को गए, आलसी होकर के अब को नहा, इसलिए स्नान का त्याग नहीं किया, अब को पहने को उतारे, गर्मी अपने आराम से उतार के बैठ गए, ऐसे इसलिए नहीं पहना है, उन्होंने कपड़े छोड़े हैं, आलस्य के वशीभूत होकर के नहीं, आलस्य छोड़ करके छोड़े हैं, आलस्य तो पहले छोड़ा है, उलझनों से घबरा करके मोक्ष मार्ग में लगना ये कोई विधि नहीं है। आनंद की प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग में लगो, ये मोक्ष मार्ग आनंद रूप है भाई, आनंद रूप है,
धर्म ध्यान आनंद रूप है। अपनी रागी किसको कहा मुख्य रूप से समझ गए? बोलो आप बोलो। हाँ ठीक, और बोला एक शब्द और बोला था, जो रागादिक की पूर्ति में सुख मानते हैं, जो रागादिक की पूर्ति में सुख मानते हैं, रागादिक को उपादेय मानते हैं, उन जीवों को मुख्य रूप से रागी कहते हैं। संसारी कहते हैं उनको, मिथ्या दृष्टि को मुख्य रूप से संसारी कहते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि जीव को भी संसारी नहीं कहते, मोक्ष मार्गी कहते हैं। उत्तम जग मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आतम, क्या लिखा है? ज्ञानी कहा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आतम ज्ञानी, अज्ञानी नहीं कहा। अज्ञानी मुख्य रूप से किसको कहते हैं? जो मिथ्या ज्ञानी है, देह और जीव को एक मानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, रागादिक में सुख मानते हैं, धर्म ध्यान को कष्ट रूप मानते हैं, संसार में ही सब कुछ मानते हैं, बस यही आनंद है और कहा आनंद होगा। लोग वाग कहने लगते हैं आजकल, ये होटल वोटल जो बने साहब बड़ी नाच गाना, यही तो स्वर्ग है और कहा स्वर्ग होता। भैया ये स्वर्ग नहीं है, ये तो महाविकृत परिणाम है, पापों के आयतन है, ये महापाप। ये स्वर्ग है, ये हॉस्पिटल में चले आज चले भैया यही नरक है। ठीक है, ये नरक के नमूने हैं, नरक नहीं है। अभी अभी तुमने देखा नहीं नरक किसका नाम है। ये तो थोड़ी सी पाप के फल हैं, अनंत पाप का फल है। तो संसारी मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि को कहते हैं, सम्यक दृष्टि अविरति वाले है तो अभी मोक्ष मार्ग। वह निंदनी नहीं कहा, चरित मोहवत लेस न संयम पैर सुरनाथ जजे है। जजे माने अर्घ चढ़ाते, ये नहीं लिखा है। जजे माने प्रशंसा करते हैं, उनकी आदर करते हैं। मैंने वो सम्यक दृष्टि जीव को निंदनी नहीं कहा। क्यों निंदनी? इसलिए नहीं है, वो अपने रागादिक की स्वयं निंदा कर रहा है। ध्यान रखना, जो अपने दोषों की स्वयं निंदा करते हैं, दूर करने का उपाय करते हैं, वे निंदनीय नहीं होते। जो अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते, निंदा ग्रहा नहीं करते, वे ही निंदनीय होते हैं। जो अपने दोषों की रागादिक भावों की निंदा कर रहा करते हैं, वे सम्यक दृष्टि निंदनी कैसे हो गए? लोक में भी जो सॉरी बोलता है तुम्हारी भाषा में, उस दंडनीय नहीं होता। पहले ही वो सॉरी बोल रहा है, गलती हो गई भैया, दादा नहीं धक्का लगो, गलती हो गई। अब दादा क्या कहेंगे? अब दादा क्या कहेंगे? मारो यार, ऐसे कह सकते हैं? सरल जीव, विनयवान जीव, श्राव काचार की भाषा है, सीलवान जीव दंड का पात्र नहीं होता। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा दंड लेते हैं, उनको दंड कोई देता नहीं है। दंड लेने का मतलब प्रायश्चित करना। और जो स्वयं दंड नहीं लेते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, उनको दुनिया दंड देती है। फिर लोक दंड और राज दंड उन्हीं को होते हैं, जो निशंक होकर के पापों में प्रवर्ते हैं, निर्दय परिणाम से प्रवर्ते। क्या जो होगा सो देखा जाएगा, देखा कहा जाएगा? भैया को कोई पकड़ लेगा? अजय पकड़ ले तब देखा जाएगा। ये कोई तरीका है सोचने का? ऐसे जीव निंदनीय, लोक दंड नहीं होते हैं, राजदंड उनको होता है। इसलिए जब तक रागादिक न मिट सके, तब तक रागादिक भाव को निंदित मानो। वीतरागी की उपासना यही है। जगत का भला करना है तो भी वीतरागी बनो। रागी जीव ना अपना भला कर सकता है, ना दूसरे का भला होने में निमित्त हो सकता। वो राग में बैठेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। राग का अर्थ अनंतानुबंधी राग। जिसे अपने मन प्रतिष्ठा की पड़ी है, जो अपने राग की पूर्ति में लगा, वो दुनिया का क्या भला करेगा?
लोक में कहावत है, मेरो पेट हाउ मैं न दू काउ। जिसकी खुदाई की पूर्ति नहीं कर पा रहा वो बेचारा वो दान पुण्य क्या करेगा, वो त्याग क्या कर सकेगा। और संतोषी होगा तो स्वयं भूखा होने पर भी अपने हाथ की अपने सामने की थाली दूसरे को दे देगा कि हम तो आज ही ये भूखे हैं, ये तो चार दिन का भूखा आ गया, चलो भाई ले तू खा ले। घर में हम नहीं कर पाएंगे और वे जंगल में कर लेंगे हैं आहार, कैसे आहार बनाया होगा जंगल में, जंगल में कैसे आहार बनाया होगा रामचंद्र सीता जी वगैरह के प्रसंग में। अब जंगल तो जंगल ही है ना, पेड़ के नीचे वहां एक चादर तान ली होगी, वहां थोड़ा सा मिट्टी से साफ करके लिप लिया होगा और क्या हुआ बता। और वहां भी भोजन बना तो कोई मुनीश्वर आ जाए तो ये आरंभ सफल हो जाए। भगवान के दर्शन मिल जाए तो नेत्र सफल हो जाए, निर्वाणी सुन ले तो कान सफल हो जाए, तत्वों का चिंतन कर लें, हे उपाधि के चिंतन कर लें तो ये मन संगी होना सफल हो जाए हमारा। और उल्टा चिंतन करती रहती का संगी और का की संगी असंगी बाली है। सवेरे उठ करके अपने ब्रह्म मुहूर्त में अपने स्वरूप की आराधना करो, सवेरे जल्दी उठना सफल हो जाए। और जल्दी अब हम जल्दी उठन लगे, लड़का बोला हमने कहा घूमन जा रहे दौड़ लगाते माने जल्दी उठेंगे तो खाए के लिए शरीर के लिए, और देर में ही देर तक सोएंगे तो भी शरीर के लिए बताओ। जब शरीर को नहीं छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे नहीं कहा, आज हम कुछ नहीं खाएंगे काय शरीर के लिए, आज पेट खराब है दर्द है आज बुखार दर्द है आज बुखार, खाएंगे तो भी शरीर के लिए बताओ। ये शरीर को छोड़ोगे नहीं कि नहीं, शरीर को आप नहीं छोड़ोगे तो शरीर आपको छोड़ देगा, ध्यान रखना। अरे छोड़ने की बात तो बहुत दूर है, भयंकर दुख देगा। शरीर के मोह से शरीर की आसक्ति से तुम प्रमादी जीवन जाओ, चाहे कुछ खाओ चाहे जैसा बरतो तो शरीर बीमार होकर के भयंकर तकलीफ, मरे 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 चिल्लाओगे, मजा आ गया खूब सजा मिलेगी। फिर विचारना भाई ये शरीर बस पड़ोसी है, इसमें राग द्वेष की कोई बात नहीं रह गई, पड़ोसी है बस इतना समझ लेना। और हमें अपना काम निकालना है इसी शरीर से हमें इसी शरीर से काम निकालना है, इसलिए बड़ी युक्ति से बड़ी अकल से काम ले। मोह में मत नाचो भाई, मोह में मत नाचो, इस शरीर के मोह में चाहे विषयों के मोह में चाहे परिवार के मोह में चाहे पैसा के मोह में अनर्थ मत करो, अपनी आत्मा को नरक आदि में का पात्र मत बनाओ। पर्व अठाई आया है हैं? काहे के लिए समझ गए, एक शब्द बोलना दो मत बोलना, बोलो सफाई के लिए। अठाई पर्व आया सफाई के लिए, तो मंदिर की तो सफाई कर ली, घर की सफाई कर ली, चौका की सफाई करी कि नहीं। आठ दिन बिना भोजन कराए भोजन नहीं करेंगे, बोलो कहे भाई पहला ऐसा हो तो इन बुजुर्गों से पूछो, छोटे छोटे गांव में लोग रहते थे और हर गांव में मंदिर नहीं होते थे, दो किलोमीटर एक किलोमीटर दूर जाते थे, लारा बारे अड़ो कर आते वहां बारे वहां जाते वहां बारे वहां जाते, वो देखो है तुमने। अब हर जगह विद्वान नहीं होते, हर जगह विद्वान कैसे पहुंचे, तो अब त्यागी नहीं होते, तो जब जहां विद्वान त्यागी का त्यागियों का चतुर्मास हो गया विद्वानों का समागम हो गया तो वे आसपास खबर कर देते, भैया व्रत यहीं का जाइयो तुम यहीं आ जा, यहाँ अच्छो समागम रहेगो आनंद से, यहीं व्रत करियो कर लाई। अब 10-20 व्रत करने वाले आ गए तो एक रसोई वाली बुला ली, ये फलाना कर लिया, ये कछु नहीं हो तो कुछ नहीं है, सबके घरन में भोजन बनते, शुद्ध भोजन बनते, साफ शुद्ध भोजन बनते, और एक घने रहते सो जने रहते सो एक दूसरे काम, हमको कुछ परेशानी थी नहीं है,
लिवागे चार जने हम लिवागे दो जने हम लिवागे तीन जने हमारे नहीं लड़ाई सी होती हमने तो देखा है। और मंदिरों में सोने वालों की गुजर नहीं कमी नहीं बार इतने लोग सोते मंदिर में आसपास मंदिर के पास अरहंज में यहीं रहे दस रक्षा में यहीं रहे भैया यहीं सोएंगे आज स्वाध्याय हो रहा सवेरे से पाठ हो रहा पूजा हो रही भक्ति हो रही है वो पर्व बात्सल्य के पर्व हैं ये तीन तीन शब्द लिखे उन्हें मंगल अवसर आया है फिर उत्तम अवसर आया और सांचा शरण पाया है मंगल उत्तम शरण लिखे इन तीनों लिखे तो भैया सफाई के पर्व है अपने मन को साफ कर लो है सिद्ध चक विधान है छोटा सा कर रहे हो है कन्हई अब की बड़ा सा होना चाहिए कब से नहीं करो सुन रहे हाँ आचार की स्थान अनुगम तय कर लियो वैसे कब से अष्टान का पर मन कब से विधान ऐसे थोड़ी वो तो भैया जब अपने पास कछु साधन नहीं थे हैं तो हम लोग छोटे छोटे हो गए हैं कैसे विधान होते न धोती न चादरा न कछु उन्हें ले आवे के धोती अपने अपनी दुकान से उन्हें रंग ले आवे की दुकान से उन्हें तखत ले आओ उन्हें स्कूल में से मेज उठा रहा इन्हें घर से उठा रहा उन्हें घर से चौकी लिया कछुआ तो मंदिर में साधन नहीं थे उतने और बड़े उल्लास जब इंदर को विधान करो तो मट्टी में बना रही अब तो मैं सोने वोने जाने कहां कहां की चल गई सब वो है लेकिन इतना उल्लास कछु हो नहीं हो कछु नहीं बदल गयो अपन सब वही है के बुजुर्ग चले गए अपन बुजुर्ग हो गए चले कहां गए आज भी आपके घर में बुजुर्ग हैं बच्चे हैं जवान हैं हैं बहुएं हैं सासें हैं सब हैं बोलो बदल गया है लिखा है उस चक्र विधान की हैं भक्ति में भरे हुए हैं सिद्धों के गुण सिद्ध चक्र के पाठ में धोलो आतम चीर भव्य जिन वाणी गंगा घाट में सफाई का पर्व है बस इतना ही कहेंगे सोचो लेकिन जिसको तुम सफाई मानते हो वो सफाई नहीं है आजकल सफाई बहुत होने लगी सब सफाई हो दो बाल्टी पानी रहो साफ फेर डाल दो साफ हो गो मैं डाल दे पाउडर साफ हो गए मशीन में डाल दे और नाली में लगा दो साफ हो गए सबरे अरे रे प्रभु ऐसी सफाई मत करो यतना चार विवेक को साथ में रखो है बाहर की सफाई के साथ साथ भीतर की सफाई बहुत जरूरी है भीतर की सफाई के बिना बाहर की सफाई क्या करेंगे अपने इस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान का दर्शन जिनवाणी का स्वाध्याय तत्वों का निर्णय स्वपर भेद विज्ञान आत्मा का अनुभव और सम्यक दर्शन वैराग्य भावना और सम्यक चारित्र बोलो यही तो सब लिखा है विचार करो अहो यही निर्गंथ मार्ग है भगवंतों का निर्गंथों का मार्ग यही मार्ग है दूसरा मार्ग नहीं है इस निर्गंथ मार्ग की खूब भक्ति करें पूजा करें अनुमोदना करें भावना भाएं इस निर्गंथ मार्ग की श्रद्धा करें अंतर में अपना है ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान से सूझे जो कालो